हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल 24/7 सीए जोन। आई होप आप लोगों की तैयारी बिल्कुल अच्छे से चल रही होगी, सबकी एग्ज़ाम्स की तैयारी एकदम से हो गई होगी। एज़ यू ऑल नो कि आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम्स आने ही वाले हैं, तो अभी आप अच्छे से अपना रिवीजन करिए और जो भी क्लासेस आ रही हैं उसे मिस मत करिए। तो आज के सेशन में मैंने कॉमर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं जो कि आपके सेशन में जो आपके एग्ज़ाम है उसमें पूछे जाएंगे, तो इस सेशन को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। इसमें सारे स्टार्टिंग टू एंड क्वेश्चन ज़रूर देखिएगा, बहुत से क्वेश्चन के आंसर्स आपको पता होंगे और जिनके नहीं पता होंगे वो आपको पता चल जाएंगे। तो प्लीज़ इस सेशन को मिस मत करिएगा, कोई भी क्वेश्चन जो है वो मिस मत करिएगा, स्टार्टिंग टू एंड जो है सेशन ज़रूर देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ई एंट्रेंस बुक है, बहुत से बच्चों ने डाउनलोड भी कर लिया है और इससे रिवीजन भी किया होगा, बट जिन्हें नहीं पता है उनके मैं बता दूं कि इसमें रीजनिंग, करंट अफेयर्स, मेंटल एप्टीट्यूड्स के सारे क्वेश्चंस दे रखे हैं। साथ ही में इसके आपको कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, 250 कंप्यूटर्स के क्वेश्चन, प्लस हमने रिसेंटली इसमें कॉम्प्रिहेंसिव मैथ्स भी ऐड करी है, उसके क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। तो आप ज़रूर इस ई बुक को डाउनलोड करिए, इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, गाइस डू चेक इट आउट, और आपके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो प्लीज़ आप सभी लोग डाउनलोड ज़रूर करिएगा। बाकी हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, मींस भारत के श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो उसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ए डॉक्टर वर्गीश कुरेन, बी डॉक्टर आनंद मोहन चक्रवर्ती, सी डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन, या डी नन ऑफ दी अबव। तो हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ द वाइट रेवोल्यूशन इन इंडिया, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या होगा इसका? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ए आपका सही उत्तर हो जाएगा, इन्हें जो है भारत के श्वेत क्रांति के जनक के रूप में जाना जाता है, तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन आपका सही आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन, यानी जो ये संपूर्ण ग्रामीण योजना है ये कब शुरू की गई थी। ऑप्शंस दे रखे हैं इसमें, ए 1 अप्रैल को, बी 2 मार्च को, सी 25 सितंबर 2001 को, या डी नन ऑफ दी अबव। तो ये योजना जो है वो कब शुरू करी गई थी, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 25 सितंबर 2001 को जो है ये योजना शुरू करी गई थी, तो सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और बेसिकली जो संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना है, इसमें आपका जो देश मतलब मेन जो ऑब्जेक्टिव था वो यही था कि गरीबों को अनाज और रोज़गार प्रदान करना, यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली जो एम था इस स्कीम का वो यही था कि टू प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सिक्योरिटी टू द रूरल पीपल। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो जैसे मेन एम जो है उसका आता है, पूछता है आपसे क्वेश्चन में, तो आप इजीली बता सकते हैं। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स, यानी निम्नलिखित में से कौन अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं, ए सेल्स टैक्स, बी एक्सरसाइज ड्यूटी, सी कस्टम ड्यूटी, या फिर डी गिफ्ट टैक्स। सो इसमें से आपको बताना है कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर जो है वो नहीं आता है। तो इसमें नॉट पूछा है, तो मेक श्योर आप जब भी क्वेश्चन देखिए तो ये ज़रूर देखिए कि उसमें नॉट है कि नहीं, बिकॉज उससे पूरा क्वेश्चन जो है वो चेंज हो जाता है। तो आई ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप क्वेश्चन को अच्छे से ज़रूर पढ़ें, जिससे कि आपको जो चीज़ें आती हैं वो
आपकी बिल्कुल पक्की हूँ कि हाँ भाई ये तो हमारा सही आंसर होगा। तो इसमें बताना है आपको इनडायरेक्ट टैक्स नहीं है कौन सा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, गिफ्ट टैक्स इज़ नॉट एन इनडायरेक्ट टैक्स। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी गिफ्ट टैक्स जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर के अंदर नहीं आता है। तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है द कंट्री विच लीड्स इन ऑयल कंजम्पशन इन द वर्ल्ड इज़, यानी विश्व में तेल की खपत का नेतृत्व करने वाला कौन सा देश है। ए अफ्रीका, बी यूएसए, सी यूके या डी नन ऑफ दीज। तो विच कंट्री लीड्स इन ऑयल कंजम्पशन इन द वर्ल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यूएसए। तो बी यूएसए आपका सही आंसर हो जाएगा। यानी विश्व में तेल की खपत का नेतृत्व करने वाला कौन सा देश है, यूएसए है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी यूएसए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है विच बैंक मर्ज्ड विद देना बैंक एंड विजया बैंक, यानी किस बैंक का देना बैंक और विजया बैंक के साथ जो है विलय हुआ है। ए बैंक ऑफ इंडिया, बी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई, सी बैंक ऑफ बड़ौदा या डी नन ऑफ दीस। तो किस बैंक का देना बैंक और विजय बैंक के साथ में विलय हुआ है यानी मर्जर हुआ है किस बैंक का। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। और बहुत से लोगों को इसका आंसर पता होगा, बैंक ऑफ बड़ौदा इज़ द राइट आंसर। नाउ द विजया बैंक एंड देना बैंक इज़ नोन एज द बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब जो मर्जर हो गया इनका आपस में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ बड़ौदा। तो सी इज़ द राइट आंसर, सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है इन्वेस्टर्स प्रोटेक्शन फंड हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय, यानी निवेश संरक्षण कोष की स्थापना किसके द्वारा की गई है। ए सर्विसेज, बी स्टॉक एक्सचेंज, सी फाइनेंशियल मार्केट या डी नन ऑफ दीस। सो इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड बाय, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बी स्टॉक एक्सचेंज, यानी बी स्टॉक एक्सचेंज आपका सही उत्तर हो जाएगा। बी स्टॉक एक्सचेंज इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है गैप स्टैंड्स फॉर, यानी जी डबल ए पी स्टैंड्स फॉर, इसका क्या अर्थ हो जाएगा। ए जर्नल अकाउंटिंग एक्सेप्टेड पीरियड, बी जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस, सी जर्नल अकाउंटिंग असिस्टेंस प्रैक्टिसेस या डी None of the above। तो gap stands for, ये भी important question है, आपके को exam में पूछा गया है इससे पहले, तो इसे भी note कर लीजिएगा। तो इसका full form क्या हो जाएगा। तो इसका जो right answer होगा वो होगा B, generally accepted accounting practices। तो बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, यानी गैप स्टैंड्स फॉर जर्नली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डेट डैश परसेंट इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन पार्टनर्स लोन,
यानी पार्टनरशिप डीड के अभाव में पार्टनर के लोन पर कितने परसेंट का ब्याज लगता है? ए 6%, बी 6% पर एनम, सी 12% या डी 12% पर एनम। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कितने परसेंट का जो है ब्याज लगता है, इंटरेस्ट लगता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 6% पर एनम का इंटरेस्ट चार्ज होता है, यानी जो बी आपका सही आंसर हो जाएगा, 6% पर एनम इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है पार्टनरशिप एग्रीमेंट कैन ओनली बी रिटर्न, क्या ये स्टेटमेंट सही है, ये आपको बताना है, गलत है या फिर पार्शियली ट्रू है या फिर कांट से एनीथिंग। तो क्या पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो जो है वो रिटन फॉर्म यानी लिखित में ही होता है, क्या ये सही है कि ये स्टेटमेंट ऑल ओवर आपका सही बता रहा है, क्या पार्टनरशिप फॉर्म सिर्फ लिखित में ही होता है, ऐसा सच है कि नहीं, ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो फॉल्स होगा यानी बी होगा, इट कैन बी ओरल ऑल्सो, पार्टनरशिप फॉर्म कैन बी जो एग्रीमेंट होता है वो रिटर्न और ओरल दोनों होता है, तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो। तो जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है वो ओरल और रिटर्न दोनों ही फॉर्म में होता है, तो ये जो स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका गलत दे रखा है, इट बोथ रिटर्न एंड ओरल बोथ, सो बी आपका फॉल्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। उसके बाद नेक्स्ट में पूछा गया है गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज इक्वल टू गुडविल कैलकुलेटेड बाय एनी अदर मेथड। अगेन ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि ये ट्रू है, फॉल्स है, कान से या फिर पार्शियली ट्रू है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गुडविल कैलकुलेटेड बाय वन मेथड इज क्या बराबर होता है गुड एनी अदर मेथड के। तो जो ये स्टेटमेंट है ये बिल्कुल गलत है, तो बी फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी जो ये स्टेटमेंट दे रखा है वो आपका गलत दे रखा है, तो फॉल्स इज़ द राइट आंसर, बिकॉज जो गुडविल हम कैलकुलेट करेंगे किसी एक मेथड से वो डिफर करेगी दूसरे मेथड से, तो दिस स्टेटमेंट इज टोटली रॉन्ग, सो ये फॉल्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है डैश रिजर्व कैन बी यूज्ड फ्रीली फॉर एनी पर्पस, यानी क्या रिजर्व किसी भी उद्देश्य के लिए स्वतंत्र रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है? ए सिक्योरिटी प्रीमियम, बी कैपिटल रिडेम्पशन, सी कैपिटल या डी जनरल। सो विच रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर फ्रीली फॉर एनी पर्पस, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विच रिजर्व कैन बी यूज्ड फ्रीली फॉर एनी पर्पस। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जनरल, जनरल रिजर्व कैन बी यूज्ड फ्रीली फॉर एनी पर्पस, तो डी जनरल आपका राइट आंसर होगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन एंड रीजन का है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो असर्शन यहाँ पे दे रखा है इन एनी ऑर्गेनाइजेशन कोऑर्डिनेशन इज रिक्वायर्ड सो दैट प्रोडक्शन एंड सेल्स डिपार्टमेंट कैन वर्क हैंड इन हैंड। उसका रीज़न दे रखा है कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स, तो क्या जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, यानी बोथ ए एंड आर ट्रू एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, बी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, या फिर सी असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स, या फिर डी असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो क्या जो असर्शन है रीज़न से रिलेट कर रहा है, या रीज़न असर्शन से रिलेट कर रहा है,
तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी। बोथ असर्शन एंड रीजंस राइट हैं, बट दोनों आपस में अलग हैं। तो जो रीज़न है वो जो है एक्सप्लेन नहीं कर रहा है असर्शन को, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है असर्शन की। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यानी बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू, बट जो रीज़न है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन की। तो बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच ऑफ द कॉलम दे रखा है, इसमें बताना है कि कॉलम वन विथ एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन कॉलम टू। तो कॉलम वन और कॉलम ए में ऑप्शंस दे रखे हैं, तो उसमें ऑप्शंस दिए हैं कॉलम ए में मैनेजमेंट एज अ साइंस, बी मैनेजमेंट एज एन आर्ट, सी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन, और कॉलम सेकेंड में दे रखे हैं स्टिल डेवलपिंग, बी इन्वॉल्व स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सी पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। तो इसमें आपको करेक्टली मैच करना है कॉलम वन से कॉलम सेकंड को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं एक, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, यानी कॉलम ए का आंसर होगा फर्स्ट, बी का होगा सेकंड, सी का होगा थर्ड। बी ऑप्शन में दे रखा है सेकंड, यानी इन्वॉल्व स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बी का दे रखा है फर्स्ट स्टिल डेवलपिंग, सी का दे रखा है थर्ड पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सी का दे रखा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, बी का दे रखा है इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, सी का दे रखा है स्टिल डेवलपिंग, और आपका ऑप्शन डी में दे रखा है सेकंड इन्वॉल्व्स स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर ए का, बी का दे रखा है पर्सनलाइज एप्लीकेशन, सी का दे रखा है स्टिल डेवलपिंग। सो उसमें बताना है आपका करेक्ट आंसर क्या होगा। तो उसका जो करेक्ट मैच होगा वो क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी ए का आंसर होगा मैनेजमेंट एज अ साइंस इन्वॉल्व स्टडीज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, बी मैनेजमेंट एज अ आर्ट पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, सी मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन स्टिल डेवलपिंग। सो ये आपका करेक्ट मैच हो जाएगा, तो डी इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है दे डोंट सेल व्हाट दे कैन मेक बट दे मेक व्हाट दे कैन सेल, विच मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज बीइंग हाईलाइटेड इन द गिवन स्टेटमेंट। ऐसे स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो मेक श्योर आप अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट प्रिपेयर करके जाइए, जिससे आपको कोई भी कन्फ्यूजन जो है वो ना हो। तो यहाँ पे बताना है कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, सेलिंग कॉन्सेप्ट का, या बी प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का, डी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट का, या फिर डी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का। सो दे डोंट सेल व्हाट दे कैन मेक बट दे मेक व्हाट दे कैन सेल। तो इसमें कौन से मार्केटिंग कॉन्सेप्ट का यूज़ किया गया है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा डी, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट ही हाईलाइट किया गया है। तो डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, द डी मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज़ द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स, यानी प्राधिकरण की जिम्मेदारी श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच संबंध बनाती है। तो क्या ये जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, यानी ट्रू है, फॉल्स है, सी कांट से है, या फिर डी पार्शियली ट्रू है। तो इसमें भी आपको बताना है कि जो ये स्टेटमेंट दे रखा है ये सही है कि नहीं। तो अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड्स रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट, क्या ये सही है, तो ये बिल्कुल ही सही है और आप लोगों ने पढ़ा भी है, तो ये आपका ट्रू हो जाएगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्ड रिलेशनशिप बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट, तो ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा और ये आपने पढ़ा भी होगा, तो आई होप आप सभी को ये याद होगा।
तो ए ट्रू इज़ द राइट आंसर, यानी प्राधिकरण की जिम्मेदारी श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच संबंध बनाती है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट तो इसमें पूछा गया है कि एक्यूरेट फोरकास्ट बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान, आइडेंटिफाई द स्टेप वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव। तो इसमें बताना है विच फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट हाईलाइटेड अबव, यानी एक्यूरेट फोरकास्ट बिकम एसेंशियल फॉर सक्सेसफुल प्लान, कौन सा मैनेजमेंट फंक्शन हाईलाइटेड हो रहा है इसमें। ए सेटिंग ऑब्जेक्टिव, बी फॉलो अप एक्शन, सी डेवलपिंग प्रेमिसेस इम्प्लीमेंटेशन, या डी इम्प्लीमेंटेशन द प्लान। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपको सभी को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखकर बताना है कि जो ऊपर वाला स्टेटमेंट दे रखा है वो किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है। तो सभी को इसका आंसर ज़रूर लिखना है, सभी लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर लिखिएगा। बाकी आज के सेशन में बस इतना ही। आई होप आप लोगों के लिए क्वेश्चंस जो होंगे वो यूज़फुल होंगे। मेक श्योर आपको सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पता हों, आपके जितने भी आपने पढ़े होंगे बिजनेस में या फिर अकाउंटिंग में या इकोनॉमिक्स में, तीनों में ही आपके सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल पक्के होने चाहिए। बिकॉज आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कॉन्सेप्ट से क्रिएट करके पूछे जा सकते हैं, जैसे कि पिछले क्वेश्चंस में हमने देखा है। तो कोई भी कॉन्सेप्ट आप मिस मत करिएगा, सारे कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ के जाइएगा। बाकी हम और ऐसे क्वेश्चंस लाएंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। बस अपना आप रिविज़न करते रहिए अच्छे से और कोई भी चीज़ को मिस मत करिए। तो आज के लिए बस इतना ही गाइज़, बाय, टेक केयर।